रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो के माध्यम से आप सभी को जोहार नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार बिरसा कॉलेज खूंटी के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है सर्वोदय की अवधारणा। यह टॉपिक BA फिलॉसफी ऑनर्स 6 सेमेस्टर DSE 3 जनरल फिलॉसफी DSE B के पत्र राजनीतिक दर्शन का भाग है। इस टॉपिक पर जब हम आते हैं तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय या सबका विकास। यह एक नई विचारधारा या विचार नहीं है बल्कि एक प्राचीन विचारधारा है। सर्वोदय एक सामाजिक आदर्श का संप्रत्यय है। इसमें सर्व या सब का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। हालांकि सब के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड आ जाता है किंतु यहां सब का प्रयोग मानव समाज के संबंध में किया गया है। इसलिए सर्वोदय का तात्पर्य सभी मानव जीवन के उदय या विकास से है। यहाँ सब शब्द ऐसा है जिसका अर्थ भी मानव ज्ञान के विकास के साथ साथ विकसित होता जाएगा। इसलिए विनोबा भावे ने बतलाया है कि सर्वोदय एक ऐसा अर्थ धन शब्द है जिसका जितना अधिक चिंतन और प्रयोग हम करते जाएंगे उतना ही अधिक अर्थ हम उससे पाते चले जाएंगे। सर्वोदय के सब के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग समुदाय रंग प्राणी आ जाते हैं। यह व्यापकता को इंगित करता है। इसलिए इसमें केवल संख्या का नहीं बल्कि सबका समावेश हो जाता है। इस विचार से वर्ग हित या समुदाय हित के विचार का तालमेल नहीं हो सकता है। वर्ग हित का विचार तो सीमित दृष्टिकोण का परिणाम है। यह विचार जब सीमाओं से ऊपर उठ जाता है तो अखंडता या समग्रता का विचार हो जाता है। सर्वोदय का सर्व केवल संख्यात्मक नहीं गुणात्मक भी है। यह सर्वांगीण विकास का विचार है। मनुष्यों में अनेक तरह की क्षमताएं और सामर्थ्य है। उन क्षमताओं के पूर्ण विकास का विचार भी इसमें आ जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सर्व शब्द की व्यापकता परिमाण और गुण दोनों दृष्टिकोणों से है। सर्वोदय में विकास या उदय का अर्थ है जीवन का विकास और जीवन का अधिक से अधिक विस्तार। इसमें जीवन को ही परम मूल्यवान माना गया है। पर विकास शब्द का प्रयोग केवल शारीरिक आर्थिक और भौतिक वैभव के लिए नहीं किया गया है। फिर जीवन के विकास का अर्थ केवल बुद्धि बल नहीं है अपितु मनुष्य की सभी क्षमताओं की वृद्धि करना है। अतः विकास का अर्थ सर्वांगीण विकास से है। सर्वोदय के संबंध में हक्सले ने कहा है, जो प्रख्यात अमेरिकन थिंकर थे, कि तुम दूसरों को जिलाने के लिए जियो, दूसरों को अपना बनाओ, अद्वैत की स्थापना करो, सबके जीवन को संपन्न बनाना या जीवन को सर्वत्र संपन्न बनाना शारीरिक और आध्यात्मिक संपन्नता का आदर्श ही सर्वोदय है। एक्चुअली यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मूल्यों का संपुंजन है। सर्वोदय का सार यही है कि सबका मानवीय अधिकार समान है। वर्ग जाति धर्म रंग आदि के आधार पर एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में असमानता नहीं है। व्यक्ति का हित सबके हित पर निर्भर है और सबका हित व्यक्ति के हित से ही संभव है। अतः सबका हित आवश्यक है। सर्वोदय समानता और मानवता के विचार पर आधारित है जिसका स्रोत है अद्वैत तत्व दर्शन। अद्वैत तत्व दर्शन का मतलब है कि नेह नानास्ति किंचन सर्व खलविदम ब्रह्म। सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। अद्वैत तत्व दर्शन को व्यवहारिक क्षेत्र में उतारने का प्रयास सर्वोदय है। भारत में दर्शन सिर्फ कोरा सिद्धांत नहीं है बल्कि
उसे जीवन के अंगीभूत व्यवहारों में लाने का प्रयास भी होता रहा है। अतः यहाँ दर्शन सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी है। सर्वोदय के विचार का मूल आधार महात्मा गांधी के ईश्वर और आत्म संबंधी विचार में है। उनके अनुसार ईश्वर की परम सत्ता है, ईश्वर का ही व्यक्त रूप विश्व है, वह प्रत्येक जन जन में समाहित है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ में समानता है। इस तथ्य को मानव जीवन के लक्ष्य से जोड़ने पर पता चलता है कि मानव का धर्म समाज में समानता लाना है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों में द्वेष विरोधी बात समाप्त हो जाती है, स्वार्थ परमार्थ का भेद मिट जाता है। सर्व कल्याण की बात तभी होगी जब मानव संपूर्ण मानव जाति के साथ एकता का भाव रखें, फिर प्रत्येक एक दूसरे के हित की बात सोचें, फिर यह सोचें कि एक व्यक्ति के हित से पतन होने से उतने ही अंश में सारे संसार का पतन होता है। यह विचार ईश्वर, आत्मा और विश्व का अद्वैत विचार है। इसी विचार से सर्वोदय का विचार निकलता है या निकला है। मनुष्य जब तक मनुष्य है वह पूर्ण नहीं हो सकता है। पूर्णता की ओर बढ़ने की क्षमता मनुष्य में है। आदर्श और व्यवहार में हमेशा अंतर रहता आया है। यदि पूर्ण आदर्श की प्राप्ति हो जाए तो आदर्श का अर्थ आदर्श नहीं रह जाएगा। इसलिए उसकी ओर बढ़ते रहने का प्रयास ही जीवन के विकास और विस्तार का सूचक माना जाता है। मानव स्वभाव को नियंत्रित करने में अनेक बाधाएं सामने आती हैं, किंतु लक्ष्य की दिशा में साधना करते रहना ही जीवन का विकास करना है। संपूर्ण जीवन का विकास, सबका विकास ही सर्वोदय है। सर्वोदय के विचार में साधना की प्रधानता रहती है। यही साधन यदि साधन शुद्ध हो तो साध्य अपने आप पकड़ में आते जाता है और हम निरंतर उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। आत्म अनुभूति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। फिर इसी अनुभूति का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति। यह तभी संभव है जब संपूर्ण प्राणी मात्र की सेवा की जाए। सर्वोदय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति निहित है। अनैतिक साधनों से नैतिक और आध्यात्मिक साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए साध्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक अनुशासनों की आवश्यकता पड़ती है। नैतिक अनुशासनों को महात्मा गांधी ने व्रत कहा है। वे व्रत 12 हैं जिनमें सत्य और अहिंसा मुख्य हैं। अतः सत्य और अहिंसा सर्वोदय के मुख्य साधन हैं। सत्य का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व हो, लेकिन असत्य का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नहीं हो। सत्य का अस्तित्व नहीं मिट सकता है। सत्य ईश्वर है। सत्य का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। यह मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। सत्य का व्यवहारिक रूप ही सत्याग्रह है। अहिंसा सत्य का दूसरा पहलू है। एक पहलू सत्य का दूसरा पहलू अहिंसा है। अहिंसा का दूसरा पहलू सत्य है। हिंसा असत्य है क्योंकि यह मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि गांधी प्रत्येक व्यक्ति को भीतर से आंतरिक रूप से अहिंसक मानते हैं, प्रेमपूर्ण मानते हैं, सद्गुणी मानते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हिंसा असत्य है क्योंकि यह मानव स्वभाव के विरोधी है, प्रतिकूल है। अहिंसा के दो रूप हैं, निषेधात्मक, इसमें अहिंसा किसी को अपनी वाणी, मन और कर्म से कष्ट नहीं देती है, और विधायक, इसमें इस रूप में अहिंसा का अर्थ सहचर्य या प्रेम है। महात्मा गांधी ने इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रकार की अहिंसा की भी चर्चा की है, निरपेक्ष अहिंसा और अनिवार्य हिंसा। निरपेक्ष अहिंसा का अर्थ होता है कि हिंसा से पूर्ण मुक्ति, अर्थात अज्ञानपूर्ण क्रोध घृणा से छुटकारा पाना तथा सबके प्रति प्रेम की भावना रखना, पर यह पूर्णता की स्थिति है। अपूर्ण मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य हिंसा से छुटकारा नहीं पा सकता है क्योंकि खाने पीने, रहन सहन में अनजाने में ही हिंसा होती रहती है।
इसे ही अनिवार्य या वैध हिंसा कहते हैं। सत्य और अहिंसा को व्यवहारिक रूप देकर इसका सामाजिक परिवर्तन किया जाता है, जैसे भूदान, संपत्ति दान, ग्राम दान आदि। सर्वोदय का लक्ष्य अनेक प्रकार से निर्धारित किया गया है, इसमें मुख्यतः इस प्रकार है। पहला, सर्वोदय के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्र होगा। राज्य तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सत्ता का प्रयोग समाप्त करना होगा। सर्वोदय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें समाज के उत्कर्ष के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी विशेषता है इसकी, सर्वोदय समाज में हर प्रकार के स्वामित्व का विकेंद्रीकरण होगा, अर्थात यहाँ सर्वोदय समाज में न तो शक्ति का न आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होगा, उसका विकेंद्रीकरण होगा। गांधी जी इसके लिए ग्राम स्वराज की भी अवधारणा रखते हैं। तीसरा जो है, सर्वोदय समाज में समान अधिकार होंगे और आजीविका पालन के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा। चौथा जो है, सर्वोदय समाज में व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी साधन प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। पंचम जो है, व्यक्ति को दोषों से बचाने के लिए उसे आत्म संयम की शिक्षा दी जाएगी, हिंसा की नहीं दी जाएगी बल्कि आत्म संयम की दी जाएगी। ये गांधी जी का आध्यात्मिक प्रयोग है या राजनीति का आध्यात्मिककरण है। छठा जो है, वो प्रादेशिक स्वावलंबन के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि समाज स्वावलंबी होगा, प्रत्येक क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं का स्वयं उत्पादन करेगा। मैंने बताया था जैसा कि ये ग्राम स्वराज की अवधारणा पर निर्भर करता है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक ग्राम को अपने आप में पूर्ण बनाना होगा, उसको जितनी भी ग्राम की एक ग्राम की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन उसी ग्राम में होना चाहिए। सातवां जो है वह है, आर्थिक व्यवस्था ऐसी होगी कि धनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन समाज कल्याण के लिए खर्च करेगा। वह अतिरिक्त धन का मात्र संरक्षक होगा, स्वामी नहीं। गांधी जी यहाँ संपत्ति के संबंध में ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें जिसके पास आवश्यकता से अधिक है वह उसका अपने उपभोग पर खर्चा नहीं करेगा, अपनी इच्छाओं के लिए खर्चा नहीं करेगा, बल्कि वह समाज के धन के रूप में उसे रखेगा और उसका संरक्षण करेगा और सामाजिक कल्याण में उसका उसको खर्चा करेगा। आठवां है, सर्वोदय में उत्पादन के साधन ऐसे होंगे जिनसे व्यक्ति और प्रकृति किसी का शोषण नहीं होगा। और गांधी जी यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं आजकल पर्यावरण की समस्या को, कि हम अपने भौतिक विकास के लिए पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया है, जंगल की कटाई निरंतर चालू है, हम लोग खनन इतना कर रहे हैं कि धरती नीचे खाली होती जा रही है, ओजोन परत में छेद बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो गांधी जी यहाँ प्रस्तावित करते हैं कि उत्पादन का साधन ऐसे होंगे, हम ऐसे उत्पादन करेंगे कि प्रकृति का शोषण नहीं करेंगे, न मनुष्य का शोषण करेंगे किसी मजदूर का, न प्रकृति का, बल्कि उसपे उससे सामंजस्य बैठा कर हम अपने उत्पादन के साधनों का विकास करेंगे। नम्मा जो है, सर्वोदय समाज एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज होगा, इसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद तथा एक धर्म और दूसरे धर्म में भेद नहीं होगा। यहाँ हम जो आज कल की एक अवधारणा है बहुसंस्कृतिवाद, तो बहुसंस्कृतिवाद का हम एक आधार गांधी जी का सर्वोदय में ढूंढ सकते हैं, जिसमें सभी संस्कृतियों के लिए सभी धर्म के लिए जगह है और बराबर का जगह है, उनमें समानता के साथ जगह है, ना कि भेदभाव के साथ। तो ये जो सर्वधर्म संभाव का भी जो अवधारणा गांधी जी के विचारों पाई जाती है, उसका आधार यह सर्वोदय ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोदय की अवधारणा गांधी जी का एक राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में एक नई अवधारणा नहीं है, हम भारतीय परंपरा में जब दृष्टिपात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा हम लोग को श्लोक प्राप्त होता है। वो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यहाँ हमारी परंपरा में प्राचीन काल से ही
सबों के सुख की कामना की जाती है, सबों के कल्याण की कामना की जाती है, लेकिन वो आध्यात्मिक क्षेत्र में था। गांधी जी इसको राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में ले आए, उसका वो अमूर्त को वो मूर्तिकरण किए हैं। ये गांधी जी का एक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये था आज का हमारा टॉपिक, सर्वोदय की अवधारणा। धन्यवाद।